नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। आईसीसी विश्व कप 2023 का आयोजन भारतीय सरजमी पर किया जा रहा है। भारतीय टीम ने अपने सातवें मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर 302 रनों से शानदार जीत हासिल की है। इसी बीच 1 नवंबर को मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने इसी ऐतिहासिक मैदान पर अपनी प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं अब सचिन के स्टैचू पर कई सवाल उठ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर की इस प्रतिमा से प्रशंसक काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मूर्तिकार द्वारा बनाई गई यह सचिन की मूर्ति सचिन तेंदुलकर का चेहरा स्टीव स्मिथ के रूप में दर्शाती है। दरअसल बुधवार 1 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा के अनावरण के समय BCCI के सचिव जय शाह, IPL गवर्निंग काउंसिल के मेंबर और चेयरमैन राजीव शुक्ला, अंजलि तेंदुलकर, महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे समेत कई मशहूर हस्तियां इस मौके पर मैदान पर मौजूद रहीं। यह प्रतिमा उनके जीवन के 50 वर्षों को समर्पित है। ऐसे में इसकी खासियत और भी बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही भारत और श्रीलंका के मैच के दौरान इस मूर्ति का क्लोजअप शॉट सामने आया तो लोग इसकी आलोचना करने लगे। फैंस का कहना है कि यह मूर्ति सचिन के नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ की नज़र आती है। इस मूर्ति की बनाने की कला जो है उसका चेहरा बिल्कुल स्टीवन स्मिथ से मैच कर रहा है। मैच के दौरान सचिन तेंदुलकर और क्रिकेट के फैंस काफ़ी नाराज नजर आए। बता दें कि महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इस मूर्ति का सबसे क्लोजअप शॉट सामने आने पर विवाद खड़ा हो गया तो क्रिकेट प्रेमियों ने इसे लेकर गुस्सा फूट रहा है। लोगों ने इस मूर्ति को तरह तरह के कमेंट कर आलोचना की है। एक यूज़र ने लिखा, ये स्टीव स्मिथ जैसा क्यों दिख रहा है, मैं इससे खुश नहीं हूँ, ये भारत के भगवान का अपमान है। एक अन्य यूज़र ने लिखा कि स्टीवन स्मिथ की मूर्ति से बना ये स्टैचू सचिन तेंदुलकर के नाम से लगा दिया गया है। वहीं एक अन्य यूज़र ने लिखा कि ये तो बिल्कुल स्टीवन स्मिथ लग रहे हैं। दरअसल सचिन तेंदुलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत और विश्व के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन ने 100 शतक भी लगाए हैं। ऐसा करने वाले वह दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज हैं। सचिन तेंदुलकर की इन्हीं उपलब्धियों के कारण उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। दरअसल सचिन तेंदुलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए और विश्व क्रिकेट के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इसी के साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक भी लगाए हैं। ऐसा करने वाले वह दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज हैं। सचिन तेंदुलकर की इन्हीं उपलब्धियों के कारण उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और हाँ, क्रिकेट के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सौगंध टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।